अब आने वाली है यूएफसी 285 और इसके अंदर जो फाइटर रिटर्न लेने वाले हैं वो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू डू इट, यानी कि जॉन जोन्स। जॉन जोन्स को जिन लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा है वो लोग जॉन जोन्स को पहली बार लाइव देखेंगे और उन्हें पता लगेगा कि डेना वाइट, अलग अलग टॉप क्वालिटी के फाइटर्स और जो गेम की समझ रखते हैं वो क्यों कहते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर किसी को देखा जाए तो वो जॉन जोन्स होंगे। जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है सिरिल गान से। अब जॉन जोन्स गोट थे अपने लाइट हैवीवेट डिवीजन में, लेकिन उनकी एंट्री होने वाली है अब हैवीवेट डिवीजन में, तो ऐसे में क्या उनका जो गोल है कि वो हैवीवेट चैंपियन बनेंगे वो पूरा होगा या नहीं हो पाएगा। पहले तो फ्रांसिस एनगानू के साथ फाइट होनी थी लेकिन फ्रांसिस एनगानू चले गए, अब होनी है उनकी फाइट सिरिल गान के साथ। यहां पर एलेक्स परेरा जो अभी अभी इजराइल एडेसानिया को नॉकआउट करके बने हैं चैंपियन, मिडिलवेट चैंपियन, उन्होंने कहा है कि जॉन जोन्स हैवीवेट डिवीजन को रूल करेंगे यानी कि डोमिनेट करेंगे। अब एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हबीब के फादर थे उनकी बहुत गहरी समझ थी किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर, खास करके एमएमए को लेकर। अब एमएमए के अंदर हबीब के फादर ने कहा था कि जॉन जोन्स अगर कभी फ्यूचर में हैवीवेट में जाएंगे तो वो वहां पर डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। ये वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं, हबीब फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट जॉन जोन्स। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि फ्यूचर में वो आगे 5-7 साल में जाएंगे हैवीवेट में और वहां पर भी डोमिनेट करेंगे, और ऐसा ही एलेक्स परेरा का कहना है। एलेक्स परेरा हुए, हमजत चिमायव हुए, बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो लुकअप करते हैं जॉन जोन्स की तरफ, क्योंकि जॉन जोन्स का ऐसा डोमिनेंस रहा है अपने डिवीजन में अपने टाइम में कि इन्होंने एक के बाद एक यंगेस्ट चैंपियन बनकर इतने डिफेंस कर लिए हैं टाइटल के कि वो अब बेताब है 3 साल से एंट्री लेने के लिए फाइट गेम के अंदर। तो ऐसे में एलेक्स परेरा का कहना है कि फ्रांसिस एनगानू एक एक्सप्लोजिव फाइटर थे, यानी कि वो स्ट्राइकिंग करते सीधा सीधा जॉन जोन्स के साथ, और ऐसे में जॉन जोन्स की जो स्ट्राइकिंग है और जो उनकी क्रिएटिविटी की एबिलिटी है, जो उनका फाइट आईक्यू है, उससे फ्रांसिस एनगानू को जल्दी नॉकआउट करने के चांसेस रहते। लेकिन सिरिल गान जो है वो काफी फूक फूक कर कदम रखने वाले फाइटर है, यानी कि उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो काफी कैलकुलेटिव है, वो डिस्टेंस मैनेजमेंट काफी अच्छा करते हैं, वो अपने फीट के ऊपर काफी लाइट है, उनकी मूवमेंट जो है एक मिडल वेट की तरह है। यानी कि यहां पर एक तरीके से सिरिल गान ज्यादा टफ फाइट देंगे जॉन जोन्स को, लेकिन जॉन जोन्स जो है इस फाइट के अंदर भी डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे, ये कहा एलेक्स परेरा ने। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस फाइट को लेकर, इसको लेकर मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। आप क्या एलेक्स परेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लेकिन एक बात की गारंटी है, यूएफसी 285 में जॉन जोन्स को जो पहली बार देखेगा लाइव, आपने फाइट्स तो देखी होंगी, आप फाइट फैन है अगर आप पिछले 3 साल से जुड़े हैं लेकिन आपने जॉन जोन्स की लाइव फाइट नहीं देखी है, तो आप देखेंगे कि क्यों लोग उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोगों के प्यार से यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी धीरे धीरे 10,000 की तरफ बढ़ रहा है। 10,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को टच करवाने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे फादर अब ठीक होकर घर आ चुके हैं, यानी कि उनकी रिकवरी इतनी हो चुकी है कि वो घर आ जाए, अब धीरे धीरे वो घर पर इंप्रूव करेंगे, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। अब उनसे टाइम मिलते ही आप लोगों की सेवा में मैं हाजिर हो जाता हूं, क्योंकि आप लोगों से और यूएफसी से और इस फाइट गेम से भी मुझे उतना ही प्यार है। तो इस प्यार को बनाए रखें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और 10,000 के ऊपर हम लोग पार्टी करेंगे। टेक केयर, ख्याल रखें, और अपने कमेंट जरूर छोड़ें कि क्या लग रहा है आपको जॉन जोन्स के बारे में। टेक केयर, और ये वीडियो 10,000 पार हो जानी चाहिए।